हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड सेराडियोपेप्टाइडेज टैबलेट की। इस टैबलेट के क्या यूज़ हैं, डोज, वार्निंग, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ फार्मासिस्ट रागिनी चोलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इस टैबलेट का उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे सरदर्द है, जोड़ों का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दांत का दर्द है, पीठ दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, तो इन सभी प्रकार के दर्द के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात कर लेते हैं ये टैबलेट किस तरह से काम करती है। तो इस दवाई में दो ड्रग कॉम्बिनेशन में है, पहली है डाइक्लोफेनिक सोडियम, दूसरी है सेराटियोपेप्टाइडेज। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है ये NSAID क्लास की ड्रग होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन को रोकती है। ये जो ऐसे केमिकल को ब्लॉक करती है जो केमिकल रिलीज होकर ब्लड में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन कराता है, तो इसको जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो हमारी स्वेलिंग ठीक हो जाती है। दूसरी ड्रग है सेराटियोपेप्टाइडेज। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी इसकी प्रॉपर्टी होती है। फ्रेंड्स, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जिस वजह से जो म्यूकस का फॉर्मेशन होता है उसमें कमी करता है, जिस वजह से ये इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को कम करके काम करता है। ये टेबलेट अपने कई ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सेराजेन डी है, ल्यूपीसेरा डी, रिसोल्व डी, सिबजेन डी। इसके अलावा ये अपने कई ब्रांड नेम से यानी अलग अलग नामों से एरिया और डॉक्टर के हिसाब से मिलती है, लेकिन इसमें जो मेन ड्रग कंटेंट है डाइक्लोफेनिक सोडियम और सेराटियोपेप्टाइडेज ही होता है। बात करेंगे इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट आते हैं। तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया होना, वोमिटिंग होना यानी उल्टी आना, पेशेंट को दस्त लग सकते हैं, चक्कर आना, सर दर्द रहना, इसके बाद थकान लगना, पेट दर्द रहना, पेट फूलना, भूख में कमी, ये कुछ साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। इस टैबलेट के लिए कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस दी गई है। इस टैबलेट को खाने के बाद या खाने के साथ लेना चाहिए ताकि आपको स्टमक अपसेट से कोई प्रॉब्लम ना हो। टैबलेट का जो डोज है वो पेशेंट की एज, वेट और उनके कंडीशन पर डिपेंड करता है। इस टैबलेट को लेने के बाद डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा नींद आ सकती है, इसलिए ड्राइविंग करने से हमेशा बचना है। अल्कोहल लेने से बचना है इस टैबलेट के साथ में, क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका ये लीवर भी डैमेज करवा सकती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रीटमेंट आपका दिया गया है या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपके लीवर और किडनी की फंक्शन का टेस्ट कर सकते हैं और ब्लड कंपोनेंट का जो लेवल है उनको भी लगातार चेक कर सकते हैं। बात करेंगे इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें इस टैबलेट को लेने से बचना है। तो वो कुछ कंडीशन है जैसे पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, हार्ट फेलर के पेशेंट है या स्ट्रोक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसके बाद अल्कोहल अगर आप लेते हैं, हाई बीपी आपका रहता है, तो इन कंडीशन में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और इस टैबलेट को लेने से बचें। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर आपके डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उनकी सलाह पर ही ये टैबलेट ले सकते हैं। इस टैबलेट के अगर ड्रग इंट्रेक्शन की बात करें तो इसके साथ हमें कुछ दवाइयों को लेने से बचना चाहिए, जैसे कुछ पेन किलर्स हैं, निमेसुलाइड है, ऑक्सीफेनबुटाजोन है, मिटामिजोल है, एंटी कैंसर दवाइयाँ अगर आपकी चल रही हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट है, लिथियम है, आयोडीन है, ब्लड क्लॉटिंग कुछ एजेंट है, वारफेरिन है, इन दवाइयों को इसके साथ लेने से बचें। और अगर ये दवाइयाँ आपकी चल रही हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। बात करेंगे कुछ ड्रग वार्निंग की। अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, अस्थमा है या स्वेलिंग है स्किन पर रैशेस आए हैं, तो इन सभी कंडीशन में अपने डॉक्टर से बात करें और उस दवाई को लेना बंद करें। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। किडनी
किसी तरह की सर्जरी के लिए आप जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। अगर प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवाई को लें। सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचें। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये जिसे ज़रूरत है उसके पास ये जानकारी पहुंच पाए। अगर आपके दवाइयों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।